तो आज से आपको जो आपकी खतौनी होती है उसको किसी दूसरे से दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितना बीघे ज़मीन है कि या कितना बिसवा है, क्योंकि खतौनी में हेक्टेयर में होता है और हेक्टेयर से बीघा में बदलने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है। अगर आपको तरीका नहीं पता होगा तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ना तो कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल तरीके से आप अपने फ़ोन से, अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके झट से बता सकते हैं कि ये ज़मीन कितने बीघा और कितने बिसवा है। तो बिना देरी किए हुए आइए मैं आपको वो स्टेप बताता हूँ। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस संबंधित मैं वीडियो जो भी बनाया करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जैसे आपकी जो खेतौनी होती है उसमें एक गाटा संख्या होता है और गाटा संख्या के बाद क्षेत्रफल लिखा होता है उसका हेक्टेयर में। जैसे इसमें पांच क्षेत्रफल हैं और पांचों का जो टोटल रकबा है वो नीचे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल जो रकबा है उसका निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद मैं एक एक का आपको अलग अलग निकाल के भी दिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। तो निकालने से पहले जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल करना है वो पहले जान लो। तो आपको मैं वो फार्मूला दिखा देता हूँ। तो फॉर्मूला बस यही है, अगर ये आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 81 ईयर मतलब कि 1 बीघा, 81 ईयर का 1 बीघा होता है और 4 ईयर का 1 बिसवा होता है और 20 बिसवा का 1 बीघा होता है और 1 हेक्टेयर जो है वो 12.5 बीघा होता है। अब हेक्टेयर ईयर क्या है? तो जैसे जो खतौनी में रकबा लिखा होता है क्षेत्रफल, तो ये लिखा है 1.2400, यानी ये हो गया 1 हेक्टेयर 240 ईयर। यानी ये जो पॉइंट आपका दशमलव है, इससे पहले जो संख्या आती है वो हेक्टेयर है और इसके बाद में जो संख्या आती है ये वाली, ये आपका ईयर है। तो अब आपको मैंने बताया कि 81 ईयर का 1 बीघा होता है और 4 ईयर का 1 बिसवा होता है। तो चलिए इसको फटाफट निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल कितना हुआ। या टोटल से पहले मैं आपको एक एक निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आप लोगों को निकालने में। जैसे सबसे पहला ऊपर है 0.2360, तो इसको निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला वाला है 23, फिर से देख लेता हूँ क्या है 2360। तो सबसे पहला हमारा है 0.2360, ये हमारा क्षेत्रफल है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे जो 0 पॉइंट है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। ये जो दशमलव के आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। और ये जो लास्ट वाला 0 है, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक होते हैं, 4 अंक में अगर लास्ट में कोई अंक नहीं आ रहा है, 0 ही है आपके खतौनी में, तो ये अंक भी हम हटा देंगे, तभी हम निकाल पाएंगे उसका एग्जैक्ट जो बीघा और बिसवा। तो 2360 है, तो इसको सब हटाने के बाद हम सिंपल से लिख लेंगे 236, यानी 236। अब अभी मैंने क्या बताया था कि 81 ईयर का 1 बीघा होता है, तो 236 हमारा ईयर आया। तो इसको हम क्या करेंगे, 81 से डिवाइड कर देंगे। 81 से डिवाइड करने पे आपका क्या आ रहा है, 2.91। यानी अभी हमें पता चल गया कि 2 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। तो अभी क्या करेंगे, दोबारा से हम 81 मल्टीप्लाई करेंगे 2, टोटल 162 ईयर का आपका 2 बीघा बन रहा है और आपका टोटल 236 है। तो 236 में हम 162 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 74 ईयर अभी आपका बच रहा है। अगर इसमें 6 1 7 ईयर और होता है तो ये टोटल 3 बीघा हो जाता। तो अभी हमें क्या करना है, बिसवा निकालना है। तो बिसवा निकालने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना है, 74 ईयर आपका बचा है इसको डिवाइड कर देना। मैंने आपको बताया 4 ईयर का 1 बिसवा होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना है। अभी कितना आ गया, 18.5, यानी कि 18.5 बिसवा ये आ गया। और बीघा कितना आया था, 2, तो यानी टोटल कितना आ गया, 2 बीघा 18.5 बिसवा।
तो इसका कितना हो गया टोटल, 2 बीघा 1,850। तो इसके आगे हम लिख देते हैं, दो बीघा 18.5 बीसवा। ऐसे ही सिंपल से हमें इसमें निकालना है। अब इसमें अगर जीरो और ये संख्या हटा देंगे और यहाँ से जीरो, तो ये कितना बचा, 550। तो 550 यानी कि इसको 550/81 छः आ गया, यानी 6 बीघे से ऊपर है ज़मीन। तो हम सिंपल से वही स्टेप करेंगे, 81 मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो टोटल 486 ईयर का 6 बीघा बन रहा है और हमारा इसमें 550 ईयर है। तो इसमें माइनस कर देंगे 550, 550 यानी 64 ईयर अभी हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 64 ईयर को फिर हम वही डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आ गया 16, यानी कि 6 बीघा इसका टोटल आ गया, 6 बीघा 16 बिस्वा। ये दूसरा जो आपका है इसका 6 बीघा 16 बिस्वा आ गया। अभी ये बात करते हैं हेक्टेयर। अब देखिए, मैंने बताया था कि अगर आगे कोई नंबर आता है तो वो हेक्टेयर हो जाएगा, और अगर ज़ीरो है तो उसका मतलब वैल्यू कुछ नहीं है, उसको आपको हटा देना है। अब इसको निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, इसमें आपको केवल ये दशमलव हटाना है और लास्ट का ज़ीरो हटा देना है, यानी 1240 ये हुआ। तो 1240 डिवाइड कर देंगे 81 से, ये 15 बीघा के ऊपर जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड कर देंगे, वही पुराना स्टेप 81, 1215 का 15 15, और इसमें 1240 है, तो माइनस कर देंगे 1240, तो 25 बिस्वा आया। तो 25 को हम वही फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 6.25 आ गया। तो इसमें टोटल कितना आया था, 15 बीघे से ऊपर आ रहा था, तो 15 बीघा और 6.25 बिस्वा, तो ये इसका हो गया। और अभी इसका लास्ट में 0.00080, तो इसमें हमें यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, सिर्फ एक ये नंबर है 8। तो इसका सिंपल से हम 2 से भाग दे देंगे इसको, तो ये 2 बिस्वा आ जाएगा। तो इसका कुछ नहीं, बस ये 2 बिस्वा ज़मीन। टोटल आपका जो हो जाएगा 25 बीघा 2.75 75। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।